गुरु केवल पूजा नहीं बताते, उनको पूजा का परिणाम भी दिलाना पड़ता है। मास्टर केवल लड़के को पढ़ाता नहीं है, पढ़ाई का रिजल्ट भी उसको दिलवाना पड़ता है। हम लोग क्या, मास्टर बहुत पढ़ाता है, मन से लड़का फेल कर जाता है तो क्या करते हैं, मास्टर बदल देते हैं। डॉक्टर इलाज करता है कि रोग को दूर भगाता है, इलाज तो एक तरीका है। डॉक्टर इलाज नहीं करता है, इलाज करेगा और रोग नहीं ठीक होगा तो हम लोग डॉक्टर बदल देते हैं। डॉक्टर रोग को दूर भगाता है, वो इलाज करके डॉक्टर रोग को दूर भगाता है। अगर एक डॉक्टर रोग को इलाज करता है और रोग नहीं हटता है, हम लोग डॉक्टर बदलते हैं, चिकित्सक बदलते हैं। शिक्षक के साथ भी ऐसा ही होता है, वकील के साथ भी वैसा ही होता है। हम लोग मुकदमा में देखते हैं कि मामला गड़बड़ा रहा है, वकील बदलते हैं, बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। ठीक उसी तरह से गुरु का भी काम है, वो शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं ये उसकी, और इसका जिम्मा लेते हैं। गुरु शिष्य को ज्ञान देते हैं और ज्ञान का प्रस्फुटन हो जाए, ज्ञान का नतीजा शिष्य में नजर आ जाए, इसकी भी जिम्मेवारी गुरु को लेनी पड़ती है। गुरु का काम थोड़ी है कि हमारे यहाँ के कान में आए और बुदबुदा दें कि नमः शिवाय का जप करो। गुरु जी चले गए दार्जिलिंग, हम रह गए कलकत्ता में। उसके बाद गुरु जी आएंगे 3 साल के बाद दार्जिलिंग से, 100 रुपया लेंगे या 500 रुपया लेंगे, फिर फुल रूप से दार्जिलिंग चले जाएंगे, हम कोलकाता में साला पड़े रहेंगे। ये गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है कि वो आपको साधना बताएं अथवा ना बताएं, आपके मन में उस शिव के प्रति आकर्षण जगाएं, आपके मन को परमात्मा का मन बनाएं, आपको परमात्मा से एक में करेंगे। जिम्मा लेना पड़ता है गुरु को। गुरु केवल साधना बताने का नाम थोड़ी है, मास्टर केवल पढ़ाता थोड़ी है, पढ़ाने का परिणाम उसको देना पड़ता है। मैंने कहा ना कि डॉक्टर केवल इलाज नहीं करते हैं, वो इलाज करके रोग को हटाना उनको पड़ता है, जैसे हटाएं वो। गुरु का भी यही काम है। कोई भी गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, यही सामान्य नियम है। पहलवान गुरु के पास जाइएगा, आपको पहलवान बनाएगा। गुरु के पास जा रहे हैं आप, आपको पहलवान बनाएगा। दर्जी को गुरु बना लीजिएगा, आपको बढ़िया दर्जी बनाएगा। गाना गाने वाले को बढ़िया अपना उस्ताद बना लीजिएगा, आपको बढ़िया गायक बना देगा। संगीतज्ञ को अपना गुरु बनाइएगा, आपको बढ़िया संगीतज्ञ बना देगा। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु शिष्य को परमात्मा बनाते हैं। क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि गुरु को परमात्मा कहा गया है। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु भगवान होते हैं, इसीलिए शिष्य को भगवान बनाते हैं। दर्जी गुरु होगा तो दर्जी बनावेगा, पहलवान गुरु होगा तो शिष्य को पहलवान बनावेगा, परमात्मा गुरु होगा तो शिष्य को परमात्मा बनावेगा। बनाना का क्या मानी है? शरीर थोड़े ही बनेगा, शरीर थोड़े ही कुछ होता, शरीर तो अपनी स्थिति में रहता है। मन ही शिव होगा ना, मन ही शैतान ना होता है। गुरु हमारे आपके मन को शिव भाव में बदलते हैं, परमात्मा भाव में बदलते हैं। ये गुरु का जिम्मा है, ये गुरु का काम है। हम लोगों ने कहा जरा महादेव को गुरु मान के देखे तो ये कम्मा करते हैं कि नहीं करते हैं? और जगत का गुरु है, जगत के एक एक आदमी को उसको अपना गुरु मानने का पूरा हक बनता है। और करना कुछ नहीं है, मन में इस विचार को, इस सोच को कायम रखना है, आमी नटराजेर चेला, इस विचार पर खड़ा रहना। हमने कहा नहीं कि अभी आपने सोचा कि चलो यहां से यार चला जाए, अब खाने का भी वक्त हो रहा है, बकर बकर के सुनेगा। फिर बगल वाले कहा बैठे यार बक, फिर आप बैठ गए। अगर आपका ये विचार खड़ा रह गया आपके मन में कि चला जाए यहां से, तो चल दीजिएगा उठ के। ठीक उसी तरह से यह विचार कि शिव आपके गुरु हैं, आमी नटराजेर चेला, मैं महादेव का शिष्य हूँ, मैं शिव का शिष्य हूँ, यह विचार आपके मन में खड़ा अगर रह गया तो वह अपने नतीजे लाएगा, वह क्रियान्वित होगा, वह प्रतिफलित होगा, उसका परिणाम आपको नजर आवेगा। हम लोगों ने कहा कि शिव को गुरु मान के आप 3 काम करिए। लोग कहते हैं ना कि शिव को गुरु मानने के लिए 3 सूत्र है, सूत्र कौन सी कपार है, 3 काम करिए। क्या? अपने मन को याद दिलाइए कि महादेव का चेला। इसको उलट के हम लोगों ने कहा कि जब भी जहां भी आपको याद आती हो यह बात, जहां भी जब भी कि शिव आपके गुरु हैं, आप महादेव के चेला हैं, मन ही मन उस शिव को याद करिए। तस्वीर अच्छी लगती है तो ठीक, नहीं लगती है तो शून्य में मन को ले जाइए और ये विचार मन में लाइए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं,
मुझ पर दया कर दीजिए। भाषा की कोई जरूरत नहीं है, भाषा हमने कहा ना कि मौन ही मौन कहिए, तो मौन में कहने के लिए भाषा की कोई जरूरत नहीं है। वो बंगला हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, उसे क्या अंतर आता। मैंने कहा मन ही मन इस विचार को लाइए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया कर दीजिए। पहला काम हुआ। दूसरा काम हम लोगों ने कहा कि अपने गुरु को प्रणाम करिए, आप चाहें तो नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। बीच में एक काम हम लोगों ने कहा कि गुरु की चर्चा करिए, इसीलिए कहा कि 30 साल से मैं शिव को गुरु मानने के लिए 3 काम करने हैं। लोग कहते हैं कि 3 सूत्र शिव को गुरु मानने के लिए अपनाना चाहिए आदमी को। 3 सूत्र को ठीक से देखिएगा तो आप पाइएगा कि 3 सूत्र में पहला और अंतिम सूत्र तो आपको खुद ही करना, महादेव से दया मांगनी है, महादेव को प्रणाम करना है और यह विचार मन में लेना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, आप हम पर दया करिए, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, यानी शिष्य गुरु को प्रणाम कर रहा। मैं कह रहा था कि बहुत वर्ष हो गया, कम से कम 20-30-25 साल तो हो गया। मैं लोगों को कहता हूं कि भैया सुबह जब सो के उठिए तो बिस्तर पर महादेव को याद करिए और कहिए कि हे महादेव, मन ही मन कहिए कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया करिए। और सोने के पहले जरूर एक बार कह दीजिए, आदत डाल लीजिए कि सोने के पहले कि महादेव को याद करेंगे और यह बात कहेंगे कि आप हमारे गुरु हैं, सरकार हम पर दया करिए। इतने दिनों से मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं खुद नहीं करता, मैं भूल जाता हूँ। रात में सोने जाता हूँ, देर रात से सोने जाता हूँ, पट से सो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ तो शिव काय के लिए याद आवेंगे, कम वक्त चाय याद आती है, अजीब हालत है। हम लोगों ने कहा कि देखिए अपने से जाइएगा भूला। हम बड़ी कोशिश किया कि सुबह सुबह जरा महादेव को याद करें, सामने को फोटो भी साटे हैं बोर्ड के तरफ कि आँख खुलेगी तो महादेव का फोटो नजर आएगा। साला नजर ही नहीं आता है, आँख तो देखती नहीं, देखता तो साला मन है। आँख खुलती है जरूर, आप फोटो के सामने ही खुलेगी, जब सामने फोटो है ससुरा तो खुलेगी कहाँ, लेकिन महादेव नहीं याद आते। मन तो दिमाग में रहता है कि घंटी बजाए, उधर से अपने नौकरवा चाय लेके आवेगा, बुझ जाएगा कि साहब जग गए हैं। सामने आँख के सामने महादेव का फोटो है, महादेव नहीं याद आता है, हमको आज तक नहीं आया। याद क्या आती है बात, नींद खुली नहीं तो चाय, कम वक्त साला लगता है चाय लेके पैदा हुए हैं कि का हुए हैं। देखिए क्या मन की स्थिति है, नहीं याद पड़ते हैं महादेव। इतना भाषण, इतनी सोच, इतना विचार के बाद भी मन भूला जाता है, चाय याद आती है, चाय इज मोर इम्पोर्टेंट देन महादेव, ये स्थिति है, चाय ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के, हमारे गुरु के बनिस्पत। तो ये तो हमारे आपके मन की स्थिति है। हमने कहा कि एक काम करिए तो दूसरों को समझाइए तो कि शिव गुरु है। जैसे किसी को कहा कि हम महादेव के चेला, भाई साहब अभी बनिएगा, तो पहले तो कहेगा कि बनना कौन चाहिए, महादेव तो गुरु हो ही ले, तो समझाते कौन चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप बोलिएगा, आप बराए खरीद लिया। हम जब मजिस्ट्रेट थे आज से करीब 20-25 साल पहले, तो जब जिले में मधेपुरा में ये बात शुरू हुई थी, हमने कहना शुरू किया कि महादेव गुरु है भैया, उनको अपना गुरु बनाया जा सकता है। तो कुछ दिन के बाद हमारा साथी मजिस्ट्रेट साहब हमको कहने लगा कि क्या बॉस महादेव का क्या हाल है। हम मने मन सोचे कि ससुराल साला महादेव का हाल हमसे पूछता है कि हमको उल्लू बनाता है। एक दिन बड़ी मन दुखी हुआ कि महादेव गुरु के बारे में कहते हैं सब, हम ही को उल्लू बनाता, हम ही से हाल चाल पूछता है, क्या बॉस महादेव का क्या हाल है बताइए सब। हमने अपने मन ही मन महादेव से कहा कि सरकार देखिए ना, ऐसे ऐसे लोग बोलता है, तो लगा कि कोई कह रहा है कि तुमसे महादेव का हाल पूछता है। जी तुम इतना बड़ा VIP हो गया, तुमसे लोग पूछता है कि महादेव का क्या हाल है, तुम इतना इंपॉर्टेंट आदमी हो गया कि लोग महादेव का हाल तुमसे पूछता है। हमका बात तो घुमा के सही है, बोलता है कि आई एम वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम सलाम में इतना महत्वपूर्ण है कि हम ही से आप पूछ रहे हैं कि महादेव का क्या हाल है। अरे सलाम पिए हुए हैं कहा महादेव के। यानी जैसे आप दूसरों को कहना शुरू कीजिएगा वो आपको टोकेगा,
हम लोग कार्यालय से सचिवालय से लौटते हैं शाम को घर 6:30-7 बजे, बाहर में 50 आदमी बैठा रहता है। अब सोच के भी थक भी गए हैं, माथे में भी दर्द है, आप ये नहीं कमा सकते हैं कि आज नहीं मिलेंगे। अब 50 आदमी रोज आ रहा है आपसे मिलने के लिए, कैसे कमा दीजिएगा कि नहीं मिलेंगे? आदमी है कि कुत्ता है आप? देखिए, दूसरों से शिव गुरु की चर्चा हमको आपको विवश करती है इस विचार पर खड़े होने को कि शिव हमारे गुरु हैं।